और ये पहुंच गए खजियार, और लुक देख लो, अमेजिंग जगह है। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं बहुत ठीक हूँ और फिर से स्वागत है मेरे चैनल किंग ऑन व्हील्स पे। रात को पहुँचे थे डलहौजी, करीब 9 बज गए थे रात के और लेट हो गए थे। आप इस वक्त निकलेंगे और आपको बढ़िया बढ़िया सीन दिखाएंगे डलहौजी के। आज की जो प्लानिंग है हमारी, सच पास जाने की प्लानिंग है। अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। कल हमारी जो प्लानिंग थी, घर से टाइम पर निकले ऑन टाइम, और उसके बाद भी इतना लेट पहुँचे यहाँ पर। जब भी हम ऐसी कोई राइड पे निकलते हैं, लॉन्ग राइड पे, तो हमारी कोई प्लानिंग काम आती ही नहीं है। अब सामान अपना माउंट कर लेते हैं बाइक्स पे। आपको एक बारी रूम दिखा देता हूँ जो हमने रात को लिया था। दो रूम लिए थे हम, 5 लोग हैं, तो बढ़िया रूम था। एक बारी आपको रूम दिखाता हूँ और फिर निकलते हैं बाइक पे। अभी यहाँ मेकअप चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं सारे। तो ये रूम है और बाकी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है सारी। अब चलते हैं बाइक पे, माउंट करें सामान, चले। हाँ भैया चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:16 और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। सोचा था 7-8 निकल जाएंगे, पर फिर भी हाँ रात को थकावट इतनी थी, कल पूरा दिन तो राइड करी हमने। टाइम ज्यादा लग गया कल ना भैया, 9 में इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। सही बात है। नहीं बाइक निकलवाई है तो उसकी पहली सर्विस भी अभी आते टाइम हुई है। हाँ, और मेट्योर की पूरा चेक होगा। मेट्योर आज पूरी चेकिंग करेंगे। सच पास गए, दूर सच पास के लिए या नहीं गए तो मेट्योर की सर्विस के लिए थे। सबने अपनी बाइकें चेक करवा दी वहां पे। चलो जी सामान उठाएं और माउंट करते हैं। तो बाइक्स वगैरह सब रेडी हो चुकी हैं। यहाँ वेदर तो थोड़ा गर्म ही है, ठंडा नहीं था। बस यही था कि रात को हम पंखा वगैरह नहीं चला के सोए। यहाँ पर बढ़िया व्यू है, यहाँ से प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा होगा। अभी आगे चलते हैं और बढ़िया सा व्यू दिखाते हैं आपको। और होटल का नाम बताया था, होटल का नाम है वाइल्ड रोज। हमें जो दो रूम मिले हैं वो मिले थे 2500 में, दो रूम मिले हमें। खाना भी हमें यहीं से मिल गया था और अच्छा खाना था यहाँ पर। तो अब निकलते हैं, वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, 10 बजने वाले हैं अराउंड। चलो चलिए, जय माता दी। रेडी रेडी, गांधी चौक होके जाएगा ना, गांधी चौक होके। तो डलहौजी से निकलते हुए अब, और प्लानिंग ये है पहले चलेंगे हम खजियार। वाह, बाइक चलाते हुए तो ठंडा ठंडा फील हो रहा है, वहाँ की धूप है यहाँ पर भी। और जैसे हमने सोचा था कि बारिश वारिश का टाइम है तो शायद बारिश मिल जाएगी, और हम पूरी तैयारी से आए हैं बारिश के लिए। रेडी हैं, रेडी हर चीज़ के लिए रेडी हैं। वह एक चीज़ के लिए रेडी नहीं है भाई, वो मैं बोलूँगा ही नहीं। बोल दिया तो हो जाएगा। तो अब हमारा रास्ता डलहौजी से खजियार तक का, फिर खजियार से आगे निकलेंगे। देखते हैं आज सच पास पहुँचेंगे या फिर हम बैरागढ़ या आसपास में कहीं जहाँ से सच पास बहुत नियर बाई हो, वहाँ हम आज का नाइट स्टे करेंगे। और फिर आज नहीं पहुँचे तो कल आपको सच पास, और उसके बाद का प्लान आपको फिर आगे बताएंगे। काफ़ी सुंदर बना हुआ है डलहौजी। मुझे पर्सनली अगर ये फैमिली जो हिल स्टेशंस हैं जैसे डलहौजी, शिमला, मसूरी और भी जो फैमिली हिल स्टेशंस हैं जहाँ रश बहुत हो चुका है, उनमें मुझे मसूरी और डलहौजी ज़्यादा पसंद है। अगर कंपेयर करें शिमला से, शिमला में इतना ट्रैफिक है, इतना रश है शिमला के अंदर, शिमला जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बाकी हमारे जैसों के लिए तो डलहौजी सिर्फ नाइट स्टे के लिए है।
हम तो कुछ और करने ही आ रहे हैं। गांधी चौक डलहौजी खजियार 22 किलोमीटर, अराउंड एक घंटा लग जाएगा हमें खजियार पहुंचने में। रोड थोड़ी बता रहे थे कि थोड़ा बीच में ख़राब रोड आएगी, हिमालयन आई है तो लड़ी लेगी, खराब रोड्स मिल जाए जैसी मर्जी मिल जाए। सैडलिंग चल रही है, इधर का व्यू जबरदस्त, रोड थोड़ी टूटी है, मज़ा आ रहा है। जी पहुंच गए खजियार और लुक देख लो, अमेजिंग जगह है। मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ पर, काफ़ी साल हो गए मेरे को आए हुए, और ये मेरे भाई जो चारों आए हैं साथ में, ये फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर। कैसी लगी भाई जगह? एक नंबर। तो ब्रेकफास्ट चल रहा है यहाँ खजियार में, पकौड़े रखे हैं पीछे, दिखा दूँ पकौड़े चल रहे हैं भाई। खजियार अगर कोई आता है तो मैं सबको हाँ पकौड़े खा लिए, परौठे खा लिए, सैंडविच खा ली, चाय कॉफी सब हो चुका है, और सामने का व्यू देखो गजब। बंदों को इग्नोर करो, सबको बंदों को व्यू देखो बस। एक नंबर व्यू है ये, अनीश भाई कुछ रिव्यू देना चाहते हैं। आर के वो बना हुआ है यहाँ पे, इनकी कॉफी भाई अल्टीमेट कॉफी पिलाई है, और पकौड़े भी भाइयों ने ऑर्डर करे वो भी बड़े टेस्टी हैं, पराठे और सैंडविच जरूर ये पकौड़े सैंडविच आप लोग आके खा सकते हैं। होम मिक्स पकौड़े मजा आ गया, और हॉस्पिटैलिटी तो नो डाउट भाइयों की बहुत जबरदस्त है। ये भाई बैठे, भाई नाम क्या है तुम्हारा? मनीष नाम है भाई। मनीष बहुत बढ़िया भाई, यहाँ की बस्ती हो गई भाई, अब चले गए भैया चलते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ टाइम वाले की तरह ऐसा ना हो ना, फिर हम रात में पहुंचे जहाँ बजे निकलते हैं, खाने नहीं हो रहा है ना, जब से जा रहे हैं भाई, परौठे खा लिए, सैंडविच खा लिए, पकौड़े खा रहे हैं भाई, अमृत सलाम कुछ फिनिश करना है, आगे निकलते हैं अब। ठीक है निकलते हैं भैया, चलो चलो। ठीक है जी, वीडियो च आ गए, वीडियो ऑन कर लिए मैं। ओके भाजी, ठीक है भाजी, ओके। चलो जी, खजियार से निकल के आगे अब बैरागढ़ की तरफ हमारा रूट है, और यहाँ हमने बहुत सारा टाइम लिया है, हाँ बहुत देर से खड़े रहे हैं, अब रास्ते डिफिकल्ट होने वाले हैं और मज़ा भी आने वाला है। आज का प्लान मुझे यही लग रहा है कि हम नाइट स्टे आज बैरागढ़ में ही करेंगे, और कल मॉर्निंग जल्दी निकलेंगे सचपास के लिए, और फिर उसके बाद का प्लान आपको मैं साथ साथ, अगर इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करते हैं तो आपको पूरी डिटेल मिल रही होगी, अगर नहीं करा इंस्टाग्राम पे फॉलो तो फॉलो कर लीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही धमाकेदार और अच्छी वीडियोस पहले भी मिली हैं और अभी भी मिलती रहेंगी, और वीडियो को लाइक जरूर करा करिए। चलते इस चुचू आ गए भाई, एक बार ये देखो क्या जबरदस्त वैली दिख रही है, मजेदार, क्या गजब है भाई, क्या गजब है। रोड खराब, अभी बैरागढ़ पहुंचने में लगेंगे 2 घंटे और रोड है पूरी खराब। सैडलिंग सैडलिंग सैडलिंग, आगे करीब 15-20 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप आएगा, उसके बाद पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, पेट्रोल फिल कराएंगे वहाँ पर और फिर आगे निकलेंगे। अगर सच पास क्रॉस करके आगे जाना है उसके लिए मुश्किल है,
जिसने ये सच पास करके वापस आना है उसके लिए फिर भी ठीक है, क्योंकि आगे भी काफ़ी आगे जाके पेट्रोल पंप मिलता है। तो हम लोग तो कराएंगे फुल यहाँ से, क्योंकि टेंशन नहीं लेनी। रास्ता इतना प्यारा हो गया है, पेड़ों के बीच में से, और रोड देखो क्यूब लगा दिए बीच में, नई तरीके की रोड बना रहे हैं यहाँ पर। ये मैंने पीछे भी देखी थी, थोड़ा हिस्सा इन्होंने ऐसा ही बनाया हुआ था। और यहाँ इस रोड पे ऑफ रोड इतना ज़्यादा है, मिट्टी से कपड़े पूरे भर चुके हैं और बाइक भी बिल्कुल मिट्टी मिट्टी है। ये तो खैर हमें पहले ही न्यूज़ आ गई थी कि यहाँ का रास्ता ख़राब मिलेगा पूरा सच पास तक, तो हम प्रॉपरली प्रिपेयर होके आए हैं इन रास्तों के लिए। और ये रास्ते टफ ना हो तो सभी ना पहुँच जाएँ। एग्जैक्टली नहीं पता, बैरागढ़ अराउंड 20 किलोमीटर रह गया, यहाँ तो सैडलिंग करनी बनती है। रोड देखो सामने सूर्य देवता, ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड तो ठीक है, मिट्टी इतनी है पीछे, ये तो कुछ भी नहीं है, मिट्टियाँ पीछे उड़ उड़ के फेफड़ों तक पहुँच गई थी, मास्क के अंदर भी मुँह में मिट्टी घुस गई थी इतना ज़्यादा। और ऐसे मिट्टी उड़ रही है कि सामने दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। पेट्रोल पंप आ गया है, टाइम टू फिल पेट्रोल। पेट्रोल फिल कराते हैं और फिर चलते हैं जी। मिट्टी देखो, मिट्टी कपड़ों में से ऐसे मिट्टी बह रही है। पैनियर लगा दिए, जेरी कैन बना दिया तुमने तो सिंपल कैन को। तुमने वैसे बाइक पे गलत पे लगाई है, ग्रह ठीक नहीं चल रहे भाई। आधे घंटे जद्दोजहद करके पेट्रोल डलवाया, केम में और बांधा गया, पता नहीं सेफ है कि नहीं, ये भी नहीं पता। मेरे जिस हिसाब के ग्रह चल रहे हैं, जैसे ही लगे ना आपको लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके बाद पंप पता नहीं टांडी है ना, टांडी कह रहे ना, टांडी जगह है। दो यहाँ से 200 किलोमीटर दिखा रहा है टांडी भी, बैरागढ़ जरा सी दूर है, बस पहुंच जाएंगे आधे पौने घंटे में। भाई रात को भी पूरा ऑफ रोड चल रहा है, चलो जी ऑफ रोड के मजे लेते हुए रात को। साइडलिंग करते हुए आ रहे हैं काफ़ी देर से हम, और ये सब रूट ऐसे ही कवर करेंगे। हाँ बैग जा रहे हैं, बैग भाग रहे, बैग नहीं नहीं ये देखो ना बैग कहाँ गया, एक इधर उधर भाग रहे, निकलना जाए ना, ये ऑफ रोड की वजह से उछल रही है सारा बैग वैग ना, सब उछल रहे हैं। जो मर्जी कहना, ये जूसी चिकन केएफसी का एक चीज, बहुत भूख लगी ना देख के, भूख लगी भाई। और सारा दिन राइड करो तो शाम को फिर भाई ये टाइम तो बढ़िया खाना भाई, मील की कोई वो नहीं है, खाना जरूरी है। सही बात है, और ये टाइम टाइम बहुत अच्छा लगता है ये वाला, जब बेस्ट टाइम है, अच्छे से शांति से खा रहे हैं, इसके बाद थोड़ा बैठेंगे और फिर प्लान करते हैं। हाँ सही बात है, नेक्स्ट अभी करीब टाइम कितना हो रहा है, 10 बज गए हैं इस टाइम, करीब 9 बजे के आसपास हम पहुँच गए थे बैरागढ़। और सुबह का प्लान ऐसा है कि अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और सच पास, सबसे पहले सच पास है, उसके बाद का भेल भेद जाएंगे, पहले करेंगे। हाँ उस समय लोग क्रॉस करने के लिए हमारे एक पास है, उसके बाद जो हमने करना है ना वो मेटियोर वाले ही बताएंगे। दो दिन की जो स्ट्रगल है वो सिर्फ उस एक पॉइंट के लिए। हाँ सही बात है, स्ट्रगल मत पूछो,
क्या क्या स्ट्रगल करके आए हैं ना सीरियसली। दूर मिट्टियाँ और ऑफ रोड इतना बढ़िया वीडियो में तो देख लिया आपने, तो बस आज का दिन बढ़िया रहा है राइडर के लिए तो बढ़िया है। मेन ऑफ रोड कर लिया, सब कुछ कर लिया, ब्रेन रोड मिल गई, आज भी ड्राइव में सब में मिला है, व्यूअर्स को भी मजा आया होगा यहाँ तक। हाँ यहाँ की वीडियो देखने में, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना भाई। ये वाला आज का डे सर में बहुत अमेजिंग है, रोड बहुत प्यारा था, सही बात, और ऑफ रोड भी बहुत ही जबरदस्त रहा है, बहुत मजा आ गया। तो ठीक है सब चंगा, शाम को इकट्ठे बैठे हैं तो इसका मतलब सब चंगा। हाँ ये भाई भी थोड़े टेढ़े हो गई, बस थोड़े टेढ़े हो रहे थे, बाकी तो सब ठीक था। प्रैक्टिस चल रही है, मेटियोर पे भी सेटलिंग करके दिखाएंगे कल, और कल मिलते हैं सुपर और सुपर सुपर से भी ऊपर राइड। ऊपर से अब हम खाना खाते हैं, अभी खाना खाओ, अभी खाना खाओ, पता नहीं किस टाइम पे देख रहे हो, जो टाइम हुआ उस हिसाब से खा लो। और भाई जाते जाते कसम बनाने वाले लाइक करे भी नहीं जाना। हाँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, अच्छी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो भाई अनसब्सक्राइब कर देना, आपके हाथ में सब कुछ, पर अभी ठोको सब्सक्राइब को, ठोको बोलो ग्रुप को सब, वो करो सब्सक्राइब। हाँ सामने आपके शो ही हो रहा होगा चैनल, तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।